स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 11th क्लास शुरू करने चल रहे हैं, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आप सभी ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, बार बार आपको यही बोलता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके ITI जो एग्ज़ाम में आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, स्किल वे मतलब भारत तो स्किल वेबसाइट पर, तो उसके सोल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूँ, जिसको आपको ईजिली आसानी से आप सारे क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए, कैसी लगती है ये क्लासेस बताना मत भूला करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई किया करिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। 10 क्लासेस हो चुकी हैं, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक करिए, वहाँ पे है 10 क्लासेस। ठीक है, अवेलेबल है, मैंने शेयर भी किया था, लिंक भी काफ़ी लोगों को शेयर किया था, तो आप लोग देख लीजिए उसको। अगर आपका अभी CBT पेपर नहीं हुआ, आपने 2018 में एडमिशन लिया था, या मान लीजिए आपने 2019 में एडमिशन लिया था और आपका फर्स्ट ईयर का पेपर अभी CBT होना बाकी है, तो तब तक आप इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-16 वीडियोस हैं। ठीक है, और आधे आधे घंटे की है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, तो आप आसानी से 15-15, 20-20 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी क्लास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, और धीरे धीरे एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए मैं चलूँगा, जिससे आपको रटना ना पड़े। ठीक है, आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपको समझ में आएगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, विच वन इज़ ए पुअर हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं, इसमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो इस रूम में रूम ये क्लोज है, तो रूम क्लोज है तो बाहर की जो हीट है, मतलब बाहर जो गर्मी है, वो इस रूम में नहीं आ पा रहा है। ये रूम का एक अलग अपना टेम्परेचर है, बिकॉज ये चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वॉल से, दीवार से घिरा हुआ है, तो कौन से ऐसे इसमें मटेरियल, इसमें कौन सा ऐसा अच्छा मटेरियल है, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बहुत अच्छा हीट रेजिस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब बाहर की हीट अंदर आ सकती है, बाहर की गर्मी जो है, जो गर्मी का मौसम है अभी, तो वो बाहर से अंदर हीट आ सकती है। जैसे आप थर्मस लेते हैं, तो अंदर आपने जैसे टी थर्मस ले लिया, तो वहाँ पे आपने चाय डाल दिया, गर्म चाय डाली, और बाहर अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे जिसका मौसम हो, लेकिन वो अंदर गर्म रहती है। तो इसका मतलब है कि जो उसकी वॉल है, वो एक किसी अच्छे ऊष्मा रोधक पदार्थ से बनी हुई है, जिसको आप क्या बोलते हो, ठीक है, जो टी थर्मस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सेम इसी तरीके से इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुत एक अच्छा, मतलब ऊष्मा रोधक नहीं है, जो ऊष्मा को रोक नहीं सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक थर्मस था, ठीक है, और आपने इसमें चाय बनाकर बढ़िया और रख दिया, बाहर का टेम्परेचर जो है डाउन है, मतलब बाहर कम है टेम्परेचर, और आप चाहते हो कि हमारी चाय क्या रहे, गर्म रहे, ठीक है, परमानेंटली ये गर्म रहे। ठीक है भाई, तो अब बात ये है कि जो इसकी वॉल है, जो इसकी दीवार है, ये ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिससे बाहर की जो ऊष्मा है, मतलब या अंदर की जो ताप है, जो अंदर का ताप है, वो बाहर ना जा निकल पाए, और बाहर वाला अंदर ताप इसमें ना असर करे। तो इसका मतलब ये जो वॉल है, ये अच्छा ऊष्मा रोधक है। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, ऐसा ये पॉसिबल ना हो कि अंदर वाली हीट बाहर और बाहर वाली हीट अंदर चली जाए, ठीक है, ऐसा ना हो पाए, तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये दीवार एक अच्छी ठीक है, मतलब दिस इज ए गुड इंसुलेटर वॉल है। अच्छा, इंग्लिश में आप लोग मत डरा करिए, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड इंसुलेटर का मतलब है कि एक अच्छा ऊष्मारोधक पदार्थ है, अगर ये बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से इसमें बोला गया है कि कौन सा पुअर हीट इंसुलेटर है। कहने का मतलब इसमें बताना है आपको कि इस चारों में से कौन सा पुअर हीट इंसुलेटर है। ठीक है, देखो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखते हैं, ध्यान से समझो। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक ग्लास, ठीक है, दूसरा है कॉर्क, आपने देखा होगा कॉर्क के थर्मस बोटल्स आते हैं, ठीक है, कॉर्क लगा होता है ढक्कन वगैरह में,
रबर, रबर तो इंसुलेटर होता ही है, वायर्स में और इंसुलेटिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं हम लोग इसका। और सॉडस्ट, सॉडस्ट जानते हो ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आइस, मतलब आपने देखा होगा बर्फ, ठीक है, आपने आपने आइस जो बर्फ है उसको देखा होगा, उसको चारों तरफ से ढक देते हैं, जो हिंदी में गांव में भूसा बोलते हैं ना, भूसा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉडस्ट, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो ग्लास है स्टूडेंट, जो इसमें ग्लास है वो सबसे मतलब बैड मैनर का ऊष्मा रोधक है, कहने का मतलब जैसे एक कोई ग्लास है, आप खुद ही समझो, ग्लास के कप में आप चाय पीते हो तो बाहर भी आपको गर्म लगता है, ठीक है। तो इतना आसानी, अगर बाहर गर्म ना लगता तो इसका मतलब अच्छा इंसुलेटर है, अच्छा एक जो है कुचालक पदार्थ है, ऊष्मा का अच्छा रोधक है, ठीक है। लेकिन नहीं, बाहर गर्मी उस पर लगती है, आप हाथ से पकड़ते हो वहाँ पर भी गर्म महसूस होता है, चाय अंदर जबकि रखी हुई है, ग्लास है। तो ग्लास एक बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है, मतलब ग्लास एक बहुत अच्छा मतलब ऊष्मा रोधक नहीं है, ये क्या है, खराब है, ठीक है, कौन, ग्लास, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं वो बेहतर हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत होता है ये चीज़ें, लेकिन ग्लास में मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो बाहर तुरंत आराम से ही ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको दिमाग में ये रखना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके लिए, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वेट कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा 150 पे चले गए थे। चलो प्रीवियस क्वेश्चन है, एक और बचा है मुझे लग रहा है, उसको देखते हैं पहले, ठीक है, हाँ इसको देख लेते हैं। बोला गया व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। आपको बताना है कि भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी पदार्थ अपने सॉलिड स्टेट से, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, ठीक है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, तो भाई ऐसा क्या होगा। तो आपको मैं दो तीन बातें बताता हूँ, ठीक है, वो दिमाग में रखना है। इसमें बोला गया है कि किस, ठीक है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में, ठीक है, बदल जाता है या पिघलने लगता है, ऐसे मान लो। तो ध्यान से देखो, इसमें देखो दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, टेम्परेचर के ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिसमें स्टेट बदलती है, ध्यान से समझो। आप जानते हो कि किसी भी पदार्थ के जो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, वो तीन अवस्थाओं में हो सकते हैं, ठीक है, एक तो होता है ठोस, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो द्रव, और एक होती है गैस, समझते हो उन तीनों को, ठीक है, एक होती है गैस, एक होती है द्रव बोले तो लिक्विड, ठीक है, और एक होती है ठोस बोले तो सॉलिड, ठीक है, तीन स्टेट्स में ये होती हैं। तीनों स्टेट्स में एक ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब एक ऐसे टेम्परेचर का पॉइंट है जिसमें इस ये स्टेट बदल भी सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वाटर ही ले लो, पानी ले लो, सबसे इजी तो वाटर ही है, ठीक है। चलो तो अगर मैं इसको वाटर मान लूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूँ कि पानी है, ठीक है, मैं बोल दूँ कि पानी है, अरे कहाँ पहुँच गया भाई, अभी नया नया सेटअप है ये स्टूडेंट्स, तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो तो मान लेते हैं पानी है, ठीक है, तो अगर ये पदार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पानी है, तो आपको पता है कि जो ये पानी होता है ऐसे नॉर्मली तो ये किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड में होता है, ठीक है, ये किस में होता है, लिक्विड में होता है, मतलब कि ये द्रव अवस्था में होता है ना, पानी पीते हो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर घटा दें, डाउन कर दें, ठीक है, और कितना डाउन कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर दें, तो ये किस में बदल जाता है, ये ठोस में बदल जाता है। और अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें कितना, 100 के ऊपर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और चले जाएं, तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, किस में बदल जाएगा, ये मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में, मतलब स्टीम जानते हो, स्टीम, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट मतलब जिसको कहते हो भाप, ठीक है, भाप में बदलने लगता है, और भाप किस अवस्था में है, गैस के अवस्था में है, ठीक है, गैसीय अवस्था में है। तो आप समझो, एक ऐसे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं जिसके बाद ये ठोस में बदल सकता है पानी, ठीक है, और एक ऐसा टेम्परेचर हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बाद ये स्टीम में मतलब भाप में मतलब गैस में बदल सकता है, ठीक है। तो इस तापमान को और इस तापमान को कहते क्या हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ आपको,
इस 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को, इस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो इसको कहते हैं हिंदी में क्वथनांक, ठीक है। तो दोनों देखो आपके सामने लिखा है ए ऑप्शन पे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंग्लिश में ही मैं लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो मतलब क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक इसको कहते हैं। अब पानी जिसपे ठोस में, मतलब अच्छा ठोस अवस्था पानी की होती क्या है? ठोस अवस्था पानी की क्या होती है? क्या होती है? बर्फ। क्या होती है? बर्फ, ठीक है। बर्फ होती है, आइस होती है। तो इस ठोस अवस्था में आने के लिए इसका 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप डाउन करोगे, ठीक है, जब आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो कितने उस टेम्परेचर को जिस पे ये बदलना शुरू हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग और मेल्टिंग वही सेम पॉइंट होते हैं, अब बदलने के स्टेट में डिपेंड करता है, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। और उसी सेम उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। अब आप सोच रहे हो कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही बात कैसे हो गई, ठीक है। मतलब ये है कि गलनांक, अब गलनांक किसके लिए? अगर मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलना है, जैसे मान लो आइस था, बर्फ था, उसको पानी में बदलना है, ठीक है। तो आइस जिस टेम्परेचर पे बदल जाएगी पानी में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और फ्रीजिंग कैसे बोलते हैं? इसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब दूसरी तरीके से बोल रहे हैं हम लोग, जिस टेम्परेचर पर पानी बर्फ बन जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और जिस टेम्परेचर पर बर्फ पानी बन जाए उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बदलाव होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, दो बदलाव ऐसे होते हैं, एक ऐसा जिसमें लिक्विड से ठोस, मतलब ठोस हो जाए तो उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला पानी का, और जिसपे ये स्टीम बन जाए, जिसपे ये गैस बन जाए, वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो फिलहाल अभी यहाँ अगर हम देखें तो कह रहे हैं किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव में, कोई ठोस द्रव में, मतलब मान लो बर्फ पानी में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को देखते हुए देख रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, 150 में बोला गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप बताओ व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। फिर से वही कहानी, इनका कहना है भाई, इनका ये कहना है कि बताओ, ऐसा टेम्परेचर बताओ, एल्यूमिनियम का क्वथनांक बताओ, ऐसा तापमान बताओ जिस पर ये क्या बन जाए, जिस पर ये ठोस से द्रव बन जाए। जैसे एल्यूमिनियम Al होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, जो घरों में जो तारें लगी हैं वो सब एल्यूमिनियम की ही हैं, कॉपर की होती हैं। तो एल्यूमिनियम की जो चांदी की तरह चमकने वाला जो धातु होता है, एल्यूमिनियम के जैसे देखो कुकर आते हैं ना घर में, जो कुकर होते हैं, तो वो एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। अब इनका कहना है कि बताओ कि ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कितने तापमान पर द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो कितने तापमान पर द्रव में ये बदल जाता है, तो वो अगर हम लोग देखें तो उसके लिए ऑप्शन है आपका 660 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब 660 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में बदल जाएगा, ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। वैसे तो ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये कौन सी अवस्था है, ये कुकर बना रहे, कुकर होता है जो घरों में, वो ठोस ही तो होता है, तो वो तो क्या है, वो ठोस है, मतलब वो क्या है स्टूडेंट्स, वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन अब 660 पर, 660 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो 660 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यही बात तो अभी हम लोग पिछले भी कर रहे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी में बदल जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कर दीजिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो अच्छे से, ठीक है। वैसे ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके के कंटेंट के कहीं पे बन नहीं रहे हैं, आप भी जानते हो अच्छे तरीके से, YouTube पे खूब सर्च करो लेकिन नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से आप लोगों को बता दूं कि जिससे आपको एक ही वीडियो में सारी समस्या दूर हो जाए, ठीक है, मतलब इस तरीके की ही वीडियोज़ में सारी समस्याएं दूर हो जाएं। चलो तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150 तक हो गया।
चलो अगला 151 पे देखते हैं। अब देखो वही चीज़ें, फिर इनका कहना है कि बताओ व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, समझो अभी हम लोगों ने एल्युमिनियम के लिए क्या पढ़ा। वैसे एल्युमिनियम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ऐसे आप देखोगे तो एल्युमिनियम ठोस अवस्था में होता है, तार बनती है, कुकर बनते हैं, घर में जो बर्तन होते हैं कुछ एल्युमिनियम के होते हैं, भगोने होते हैं, तो ठोस अवस्था में होता है। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये द्रव अवस्था में बदल सकता है, ये द्रव में बदल जाएगा कितने तापमान के बाद, 660 डिग्री सेल्सियस के बाद। अच्छा इसको नीचे नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा कर दोगे टेम्परेचर, और कितना ज़्यादा, 660 डिग्री सेल्सियस अगर कर दोगे स्टूडेंट्स, तो ये किस में बदल जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, कौन, एल्युमिनियम द्रव में बदल जाएगा। अब इनका कहना है कि कितने में बॉयल होने लगेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ठोस है, ठोस पहले द्रव में बदल गया, अब द्रव कितने में बना, ये 660 डिग्री सेल्सियस। अब ये द्रव भी इतना और गर्मा दो इसको, इतना और टेम्परेचर दे दो, इतना ताप दे दो इसको, कि ये द्रव गैस अवस्था में बदल जाए। कौन से अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाए। तो गैस अवस्था में बदलने के लिए कितना, तो और ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तो और ज़्यादा कितना, तो और ज़्यादा देना पड़ेगा हमको 2519 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गैस में बदलने के लिए, इस एल्युमिनियम के द्रव को गैस में बदलने के लिए हमें कितना तापमान देना पड़ेगा, 2500, यहाँ पे हमें कितना तापमान देना पड़ेगा, 2519 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठोस से द्रव में बदलने के लिए 660 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, बताओ क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे ये पिघलना शुरू हो जाएगा द्रव में बाद है। द्रव से गैस में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो और देना पड़ेगा टेम्परेचर। ठीक है, तो 2519 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो एल्युमिनियम होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उसका गलनांक होता है स्टूडेंट, जो उसका गलनांक होता है वो 2519 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में नोट पॉइंट डाल के रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 में बोला गया है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो अभी मैंने बताया था कि भाई जो पानी है वैसे तो ये द्रव अवस्था में होता है। भाई पानी क्या है, पानी तो द्रव अवस्था में है। ठीक है, पानी द्रव अवस्था में है, मतलब लिक्विड में है, पानी लिक्विड में है। पानी कितने में बॉयल होने लगता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि अगर इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो फिर ये पानी बॉयल होने लगता है, और ये किस में बदलने लगता है, स्टीम में। ठीक है, स्टीम में बदलने लगता है स्टूडेंट, जान समझ पा रहे हो, मतलब ये किस में, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट है इसकी, तो बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे स्टूडेंट्स, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो स्टीम में बदलने लगेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा, ये आइस में बदल जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। हाँ देखो, मरकरी एक ऐसा मेटल है, ध्यान से पहले एक बात समझ लो कि जो ये मरकरी है, ठीक है, ये जो मरकरी है जिसको आप बोल रहे हो, पारा जिसको आप बोलते हो, पारा हिंदी में पारा बोलते हो, थर्मामीटर वगैरह में आपने देखा होगा एल्युमिनियम, मतलब एक सिल्वर स्ट्रिप टाइप से उसमें चलती है, जैसे टेम्परेचर मेजर होता है, जैसे यहाँ से ये बढ़ता जाता है, तो फिर बुखार आया आपको 102 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, तो जो पारा होता है स्टूडेंट्स, वो एक तरीके से धातु होता है, पहली चीज़ जान लो। ठीक है, वो क्या होता है, धातु, वो होता है मेटल। ठीक है, वो होता है मेटल, धातु होता है। ठीक है, मरकरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सी है। ठीक है, मरकरी की बात कर रहे हैं, तो मरकरी जो होता है, जो पारा होता है, वो धातु होता है। ठीक है, और ये कौन सी अवस्था में अपने नेचर में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताना है मुझे कि मात्र एक ऐसा जो है धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसे नॉर्मली ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे आप देखोगे कि हाँ ये पारा है तो द्रव अवस्था में होता है। इनका कहना है कि बताओ कि ये जो पारा है
वो कितने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर मतलब ये कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो इसका मतलब पहले ठोस रहा होगा, अब ठोस से ये द्रव अवस्था में आ गया, तो कितने टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में आ जाता है। तो आपको तो पता है कि ये तो ऑलरेडी द्रव अवस्था में होता ही है, इसका मतलब आप इसका टेम्परेचर और डाउन करोगे तब तो ठोस अवस्था में जाएगा ये। तो जब टेम्परेचर आप डाउन करोगे तो कितना डाउन करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए हमें -38, माइनस में लिखा है, ध्यान रखना ये माइनस में लिखा है, ये याद रखो ये माइनस में है लिखा हुआ है, माइनस में 38.72 डिग्री सेल्सियस पर यह किस में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ सकता है। या ये कह लो कि मरकरी अपने ठोस अवस्था से -38.72 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल सकता है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड अवस्था में तो होता ही है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर मरकरी द्रव अवस्था में पहले से है, द्रव अवस्था में ये पहले से है, ये ठोस अवस्था में कब जाएगा, तो टेम्परेचर करना पड़ेगा डाउन, और टेम्परेचर करना पड़ेगा कितना कम, -38.72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 38 लमसम मान लो, तो 38 इतने पे करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में ये बदल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, कौन, मरकरी, ठीक है। और हम लोग इसका अगर टेम्परेचर और बढ़ा दें तो फिर बॉइलिंग होने लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बॉइलिंग टेम्परेचर इसका क्या है, इसका आंसर -38.72 है। चलो, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, वही बात हो रही है कि अब बताना है कि आपको मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मरकरी लिक्विड में है, मरकरी अभी द्रव अवस्था में है, ठीक है भाई, मरकरी जो है अभी वो किस अवस्था में है, वो द्रव अवस्था में है, मरकरी अभी द्रव अवस्था में है। तो मरकरी अब बॉयल होने लगे, मतलब द्रव से ये किस में बदल जाए, गैस के स्टेट में बदल जाए, बच्चों ये गैस गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है, ये गैस में बदल जाए, तो आपको क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ता है वही आपको देखना है। तो यहाँ पे जो फिलहाल है आपको ये देखो, ये आपको डाटा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको इसको मेमोराइज करना होगा, दिमाग में रखना होगा कि 357 डिग्री सेल्सियस पर यह किस में बदल जाएगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। कितने पे, 357 डिग्री सेल्सियस पर ये मरकरी द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, दिमाग में इसको रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, ठीक है, और थ्रस्ट। देखो फोर्स और थ्रस्ट एक ही बात होती है, ध्यान से समझो कैसे, कह रहे हैं बल या थ्रस्ट, अभी दिमाग में ये रखो कि जो थ्रस्ट नाम का कोई शब्द जो आपने अभी सुना वो एक तरीके से बल ही होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे मान लो ये दीवाल है, ठीक है, आप हो यहाँ पे, ठीक है, आपने इस दीवाल पे बल लगाया, आपने अगर इस दीवाल पे लंबवत बल लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया, दोनों हाथों से ऐसे लगाया, तो इसको आप जनरली क्या बोल सकते हो, फोर्स बोलोगे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, फोर्स, मतलब आप बल बोलोगे इसको, ये बल हो जाएगा, और ये थ्रस्ट, थ्रस्ट ऐसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक ही है। मतलब ये है कि किसी भी दीवार पर या कहीं पे भी जिस जगह पे भी आप बल लगा रहे हो, अगर लंबवत बल लगा रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग थ्रस्ट। लेकिन आप लंबवत बल नहीं लगा रहे हो, आप किसी भी दिशा में लगा रहे हो बल, तो उसको तो जनरली बल बोलते ही हैं, ठीक है। तो बल लगा के आप क्या करते हो बताओ जरा, तो बेसिक चीज़ें क्या है, बल लगा के आप किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको ये मैंने बता दिया, इनका कहना है कि बताओ व्हाट इज़ द रेशियो, मतलब अनुपात क्या होता है किसका, बल का मतलब थ्रस्ट का, पर यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल से जो अनुपात है किस चीज़ का, बल का। मतलब अगर मैं बोलूं कि बल, ठीक है, बल अनुपाते क्षेत्रफल, बल अनुपाते क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं आपसे, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, फोर्स, हालांकि थ्रस्ट बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो इसको कहते क्या है, तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स दाब, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दाब बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रेशर, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रेशर। तो ध्यान रखना यहाँ पे, देखो
कार्य है। कार्य आप जानते हो, बल लगाकर किसी वस्तु में अगर विस्थापन उत्पन्न करते हैं तो विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। पावर आप जानते हो, ठीक है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, मतलब जो रेट है, कार्य करने की जो दर है उसको कहते हैं पावर। प्रेशर आपको अभी मैं बता ही रहा हूँ ये क्या है, और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता। तो अभी यूनिट बता देंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर जो आपके लिए सही है वो आंसर है सी, ठीक है। जो दाब है स्टूडेंट्स, दाब क्या होता है, बल अनुपाते क्षेत्रफल, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी यूनिट भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो यूनिट होती है, मतलब जो इसका मात्रक है, ठीक है, इकाई जो है, जो इसकी इकाई है वो क्या होता है, बार, ठीक है, पास्कल, अभी आएगा ये, ठीक है, ये दोनों इकाइयां होती हैं, इसको दिमाग में रखना है आपको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ पास्कल। हाँ देखो, ये यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने कहा कि जो प्रेशर है, जो प्रेशर है स्टूडेंट्स, जो दाब है जिसको कह रहे हो आप, ठीक है, जो दाब है उसकी जो इकाई होती है, उसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी पास्कल, ठीक है, पास्कल होती है, ठीक है, या फिर बार होती है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एटीएम, बार, पास्कल, ये सब दाब की ही इकाइयाँ हैं, ठीक है, पास्कल हो गया, बार हो गया। इनका कहना है कि बताओ बार और पास्कल में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि वन बार बराबर होता है 10^5 पास्कल, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, 105 जो ये लिखा है, ये 105 नहीं है बच्चों, ये है लिखा है 10^5, ये क्या लिखा हुआ है, 10^5 ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो है ना, ये सब ये पावर है, इसके ऊपर लगे हुए 9, ये 3, ये 7, ये 5 सॉरी। तो आपका ए आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10^5 पास्कल होते हैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो कि जो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, कहने का मतलब दाब की जो एसआई यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, पास्कल होती है, ठीक है। दिमाग में आपको रखना है कि एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक। चलो, बार भी उसी की यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट है, ये बल की है, जूल किसकी यूनिट है, कार्य की, या फिर, ठीक है, कार्य की यूनिट है, या फिर ऊर्जा की है, ठीक है, ऊर्जा की हो गई, ये आपका हो गया दाब का, दाब का एसआई यूनिट है, ठीक है, ये, और ये दाब की ये भी यूनिट है। चलो आगे देखते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो, यहाँ से जो है क्वेश्चंस बदले हैं, ठीक है, थीके? ये क्या है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहने का मतलब विद्युत से संबंधित क्वेश्चन है, धारा, विभव, ये सब चीज़ें जानकारी यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो बोला गया है, विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनका कहना है कि बताओ इसमें से कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो देखो, उसमें आपको सीधे सीधे पता है कि जो जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जनरेटर को स्टूडेंट, जब जनरेटर जो होता है, ठीक है, जो जनरेटर होता है उसके शाफ्ट को जब हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ठीक, ये मान लिया ये जनरेटर है, ठीक है, तो इसके शाफ्ट को जब हम लोग ऐसे घुमाते हैं, तो शाफ्ट को घुमाते हैं तो आपने किस तरीके की यांत्रिक ऊर्जा दिया, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दे दिया, मतलब आपने मैकेनिकल, स्पेलिंग देखना, मैकेनिकल एनर्जी दिया, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दिया, और अब ये जब बदल के आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है, क्या देती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी देती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो ये निकलती है, मान लिया हमने प्लस माइनस डीसी जनरेटर बना दिया, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करिए, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में ये क्या है, जनरेटर है, क्या है ये, जनरेटर है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, जनरेटर है।
तो जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जब आप उसके सॉफ्ट को घुमाते हो तो ये वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ये डिवाइस का नाम क्या है, जनरेटर नाम है, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, आपने डायनमो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वही है ये बेसिकली। इनका कहना है कि बताओ कि विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है। आप बताओ, जैसे कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, उसमें धारा बहती है जिसको आप आई बोलते हो, ठीक है, तो जो ये धारा है बच्चों, उसकी धारा की जो इकाई होती है, ठीक है, जो धारा की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सी है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, ये विभव का है, ठीक है, ये जो होता है ये वोल्टेज का होता है, वोल्टेज की यूनिट है, ओम क्या रेजिस्टेंस की यूनिट है, अभी आएगा आगे ये, है ना, और ये पावर की यूनिट है, मतलब ये शक्ति की यूनिट है, ये प्रतिरोध का, ये विभव का, ठीक, समझ पा रहे हो। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये एम्पियर किसकी यूनिट है, धारा की यूनिट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट अभी जस्ट मैंने बताया, एम्पियर धारा की है, ये विभव की है, ये क्या है, आपकी प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक। याद रखो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ एकदम ऐसे ही आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपके ऑनलाइन पेपर में आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, इनका कहना है किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चालक है, चालक किसको बोलते हो आप, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, यही बोलते हो, तो इसके अंदर धारा का प्रवाह है क्या एक्चुअल में, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनों का ही तो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। अगर मान लेते हैं हम कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, इस साइड ऐसे करके ये जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली बोलते हो कि धारा इधर की तरफ बह रही है। कहने का मतलब है कि जो इन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, क्या बोलते हैं, धारा बोला जाता है, करंट जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप, तो ये आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो गया, करंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बात ध्यान से समझो, अभी मैंने इसके पहले जस्ट देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये जो धारा होती है, जो धारा है बच्चों, वो इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, लेकिन जो ये चालक है बच्चों, ये जो चालक है, ये इस चालक में, ठीक है, इस चालक में कुछ ऐसा भी गुण होता है कि जो ये धारा को बहने से रोकता है, तो उस प्रकार के जो गुण को, चालक के उस गुण को, ठीक है, चालक का गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होती है चालक की, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर के, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो हाँ, अगले क्वेश्चन के लिए था ये, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा गुण है सब्सटेंस का या किसी भी चालक का या कुचालक का, जो अपोज करता है, जो रोकता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसका, वैद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से चालक का गुण है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको इतना प्रिपेयर करना है इस 11th क्लास में, 12th क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है, बहुत जल्द आपको मैं जल्द से जल्द ये सारे जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये क्लास जरूर बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज ये मैंने क्लास डिजिटल बोर्ड पर ले लिया है, इससे पहले तक अब आप लोग देख ही रहे थे अगर, तो फिर कैसे लेते थे वो आपको पता है, ठीक है। तो आपसे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाऊँ और अच्छे से समझ पाओ आप मुझे, ठीक है, और चीज़ों को समझ पाओ और क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप अपने मेमोराइज कर पाओ, इसके लिए मैंने ये सब किया है, ठीक है। तो आप लोगों के प्यार से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, तो स्टूडेंट्स कैसा लगता है ये जरूर बताया करिए और थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं 12th क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।